और अब हम आ गए उत्तराखंड हरिद्वार। ये हमने करी गाड़ी पार्क, सामने हमारा होटल। मैं आपको होटल दिखाता हूँ। मेरे तो अपना बैग और क्या उठाने वाला आ गया। तपोवन रेजिडेंसी, ये करी हमने आज की बुकिंग। और मेरे मम्मी पापा सब आईडी चाहिए आपको। चलो डैडी, चलो निशा, चलो मम्मी, तभी ऑन किया तो भी ठंडा हो जाएगा। चलो थैंक यू वेरी मच। एसी ऑन किया अभी तो थोड़ा भी ठंडा हो जाएगा। ये एक रूम है, यहाँ पर बजट रूम है। मेरे को 1600 रुपये में 4 लोगों के लिए पड़ा है। तो खाना वाना कुछ नहीं इसमें, सिर्फ रूम है, एसी है और वॉशरूम है। वॉशरूम तो इसका भी लिंक मैं आपको डिटेल में दे दूँगा। अगर आपको इसकी बुकिंग करनी है तो भी आप बुक कर सकते हो, बिकॉज हरकी पौड़ी से सिर्फ 3 किलोमीटर आगे हैं। इधर आने के बाद आप अपना सामान यहाँ रख के थोड़ा रिलैक्स करके आप जा सकते हैं। तो हम बह रहे ऑटो में, ये पापा ऑटो में, हमें यहाँ से ऑटो खड़ी है और ऑटो का किराया है करीबन 20 रुपये। फीस भी मांगते हैं तो हम 4 रुपये 25 रुपये में 25% में कवर किया है। क्या लग रहा है चलते चलते, ये हमें थोड़ा सा घाट के पास बता रहे जहाँ से 5 मिनट वॉक करना पड़ेगा। और ये हमें सड़क है, वो है ना घंटाघर, उस साइड को जाएंगे और यहाँ पे सारे नहाते हुए। एक मिनट निशा, जा रहे हैं घंटाघर की तरफ और यहाँ पे भीड़ बहुत है, बिकॉज सारे यहाँ स्नान कर रहे हैं और मेन स्नान करने की यही जगह है। अगर आप यहाँ पे स्नान करेंगे तो आपकी यात्रा ज़्यादा सफल होगी। किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, हैं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? वहाँ नहीं डूबती पानी में, और ये घंटाघर है। इस साइड से हम आरती बड़े अच्छे देख पाएंगे, बिकॉज बिल्कुल अपोजिट आरती होती है। कहीं भी जगह देखते हैं, रुकते हैं अपना या पीछे बैठना है। बैठने के लिए तो फिर ये चाहिए हमको, या थोड़ा पीछे बैठते हैं, कहीं भी थोड़े बैठने ही हैं। काफ़ी सारे लोग नहा रहे हैं और मेरा ही मन कर रहा है डुबकी मारे में। सारे इंजॉय करते हुए और गंगा पर डुबकी मारते हुए, इसे सारा सामान संभालते हुए।
तब भी आइए घंटाघर, और घंटाघर के सामने बैठ के आप आके देख सकते हैं।
जाने दो फिर जाएंगे। हम भी आए हैं आरती करने के लिए और आरती होगी खत्म और हम जाएंगे। रोने के लिए जाम है कौन साइड से जा रहे हैं हम लोग। बारिश तो बीतता भी होगा अगले बंदा मेरा टायर में कुछ डाल दिया। यहाँ पे भी बहुत होटल है।